कुछ तो गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों, हम ट्रेन से उतर गए हैं और ट्रेन भी चली गई है और जा रहे हैं अब घर को। देखते हैं टेम्पू कहाँ मिलता है। अभी टेम्पू वाले तो बहुत पीछे लगे हुए हैं, देख लीजिए सारे साथ साथ चल रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। तो देखते हैं टेम्पू करते हैं, देखते हैं कितने पैसे वैसे लेता है। पहुँचते हैं घर दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है। और ये हमारे खागा का स्टेशन है, देख लीजिए। टेम्पू वाले बोले खड़े हुए हैं, बोले कहाँ जाओगे। टेम्पू तो मिल चुका है दोस्तों, आ जा कृष्ण मेरे को। मिल गया भैया टेम्पू, आ जा कृष्ण बैठ। ये रहा दोस्तों टेम्पू, चल करो मेरा। हाय हाय बाय कुली बन रहे, कुली बोल रहे मुझे तो कुली बना दे। बैठ गए हैं दोस्तों सहूलियत से, चल रही है। अब देखते हैं कितनी देर में टेम्पू वाले भैया हमको हमारे घर पहुंचाते हैं। पता नहीं क्या तो लग गया हो दोस्तों, यहाँ सुबह सुबह तो ज़्यादा खुश मिला नहीं है। ये केले ले लिए हैं, एक दर्जन केले ले लिए हैं और ये मिठाई ले लिए हैं बर्फी घर के लिए। और कुछ भी सुबह सुबह यहाँ मिली नहीं है, सारा खाली पड़ा है माल के। देख सकते दोस्तों ये पेड़ा है मेरे गाँव, पेड़ से यहाँ मेरठ में पेड़ मिलते ही नहीं है। और ये इलाहाबाद के पेड़ हैं मारे, इन्हें यही कोई वहाँ पर बोलते हैं बर्फी और ये बोला थे पेड़ा, पेड़ा लाई ली हूँ यहाँ के लिए। ये बहुत ज़्यादा सब पेड़ा बहुत खा देना सबको, तो यही से यहाँ पेड़ा ले हैं। तो अपने गाँव की भाषा बोलने की कोशिश करी तो बोल रही हूँ तो उसको बोलना ही नहीं आ रहा दोस्तों। ऑलरेडी अपने घर आ चुकी हूँ मैं, वो देर क्या आ गए हैं बैठे जवान जी झाड़ में, कैसा लग रहा सब झाड़ आ गए हैं ये। और मैं अपने गाँव आ गई हूँ और ये हमारे घर में दो पेड़ है अमरूद के, देख लीजिए दो पेड़ है अमरूद के। अभी इनमें फूल आ रहा है दोस्तों, अभी इनमें फल नहीं आया। और मेरी भाभी अभी चाय बना रही हैं अभी, और यहाँ पर ये दतून है अभी उल्ला उल्ला कर रहे हैं, देख सकते हैं उनमें फूल है बस, अभी फल नहीं है। पर अमरूद बहुत अच्छा, जितने दिन फल आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ नहीं तो अमरूद खाने को मिला करेगा जब भी आएंगे। कैसा लग रहा है संसार में है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब साली वाली दोस्तों जिनका जी लगेगा क्योंकि जीजा को जब ही मजा आता दोस्तों जब साली रहती घर पर, साली रहती ससुराल में तो ससुराल का मजा ही अलग हो जाता है कि नहीं? सही कमेंट में जरूर बताइएगा अगर गलत है कि सही है। अब यहाँ पर साली नहीं है दोस्तों, अब इनका जी लगो ना लगो 15 दिन तक तो इनको काटना ही पड़ेगा ससुराल में। कैसे रहना अब इनको पता है।
देखिए इधर से हमारा घर है, ऐसा घर है हमारा, देख लीजिए मेरा घर है जहाँ पर पैदा हुई थी मैं, बचपना मेरा गया था। और इधर वहाँ पर भाभी चाय बना रही हैं चूल्हे पे, सीधा जाके कमरे में वहाँ चाय बना रही हैं चूल्हे पे, दुबा तक खड़ो रहा बहुत। तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, और जो कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मिठाई खाया हुआ, अच्छा देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आते ही इसके लग गई चोट, सड़क पे टेम्पो उतरते गिर गया, देखो चोट लग गई, काला पड़ गया सारा, इसको यहाँ पर आना सूट नहीं हुआ आते ही गिर गया। और ये पेशाब भी नहीं करता दोस्तों जल्दी से, वो देखते पेशाब आ रहा था इसका, और तो बोला बाथरूम में जाऊँगा, अब देखते यहाँ पर बाथरूम तो है नहीं, अब इसको कह रहा है यहाँ पर तैयारी कर लेते, इतने इतने बच्चे तो नहीं कर लेते, कहीं भी कर लेते। और इसको इतना शर्म आ रही है कि यो पेशाब भी नहीं लग रहा, कोई देखेगा मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई देखेगा, अरे कौन देख रहा तुझे पेशाब करने को, इतनी शर्म आ रहा तुझे है, तुम देखोगी फिर, मैं तो वहां पे भी देखती थी, यहाँ पर भी देखूंगी, इतना शर्म आता है बिना तौलिया के कच्छा नहीं पहनता, आराम नहाता नहीं है अभी, इतना शर्म आता है, बड़ा होकर पता नहीं इसका क्या होगा, अमरूद ने तोड़ा पत्ती न तोड़ा, इसमें अमरूद हो जाएगी, अमरूद खा कर इधर फूल आ रहे हैं अभी न तोड़ा। तो चलते हैं बाय बाय दोस्तों, और चाय वाय पीते हैं और मिलते हैं फिर, अभी जो पेड़े लाए थे उनके पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा हूँ पेड़े खाऊंगा, अभी चाय बन भी जब खाइए, ठीक है।